कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हम इस समय जब सड़कों पर गाड़ियां नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो हम इस समय का इस्तेमाल ट्रैफिक रूल्स को और स्ट्रिक्ट करने में या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कर सकते हैं। कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे जो वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसको रोका जा सके। क्या इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं जिससे कि हम अपनी ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को सुधार ला सके उसमें? देखिए, मैं आपको ऑड एंड इवन अगर आप पूरे साल अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एग्जेम्पशन के बिना अप्लाई करने की जरूरत है। सिर्फ कारों के ऑड एंड इवन डाल के आपको वायु प्रदूषण में बहुत फायदा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि कार वाले अमीर लोग होते हैं, वो एक ऑड गाड़ी खरीद लेंगे और एक इवन गाड़ी खरीद लेंगे। जब लोगों को मालूम चल जाएगा कि ये सालों भर आप अप्लाई करने वाले हो, तो एक तरह से परवर्स इंसेंटिव होने वाला है। जिनके पास पैसा है वो एक छोटी गाड़ी ईवन ले लेंगे, एक बड़ी गाड़ी ऑड ले लेंगे। तो हमें हमें इस देश में सोशल स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। पहला ये कि हमें ऑड एंड इवन विदाउट एग्जेम्पशन अप्लाई करना चाहिए, और दूसरा ये कि हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस तरह का ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि लोग गाड़ी का इस्तेमाल करें ही नहीं और स्वेच्छा ना करें, अपने आप ना करें। अगर उस तरह की चीज हम लाएंगे तो ज्यादा सस्टेनेबल होने वाला है।